खबरें वही जो दिखे। जोधपुर में वीकेंड लॉकडाउन की पहले ही दिन असर देखने को मिला। इसके बावजूद लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया। काम के नाम पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए, वहीं कुछ एक सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। बाहर निकले लोगों से समझाइश करने के साथ ही पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाहर निकलने पर पुलिस सभी के नाम, अता पता और आईडी कार्ड देखकर ही जाने दिया गया। कई स्थान पर लोग पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद कई लोग अपने आप को घरों में रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं वीकेंड कर्फ्यू में बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की हुई है। ऐसे में कई स्थान पर वाहनों का रेलम्पेल नजर आई। बाहर निकलने वाले सभी लोगों से पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। पुलिस की ओर से की जा रही पूछताछ के दौरान कई लोग उलझते हुए नजर आए। शहर के कई नाकों पर पुलिस सख्त दिखी। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन स्वयं लगातार आज जो वीकेंड कर्फ्यू का जो व्यवस्था का जायजा लिया है, सिटी का राउंड ले रहे हैं और सभी जो फिक्स पिकट से वहाँ पुलिस का जाब्ता तैनात है, अनावश्यक मूवमेंट है उनके ऊपर रोक लगा हुआ है। सर आज कुछ नाकों पे नक हाँ जी जी राज्य सरकार के द्वारा कल 6 बजे के बाद में कर्फ्यू की घोषणा जोधपुर में की जा चुकी है। उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ पर भी हमें लगता है कि रश वाला एरिया है या यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्थाई नाके कोरोना के लिए लगाए हुए हैं। अभी आखिर क्या का नाका है जहाँ पर सारे निकल सकते हैं, वो भी बिना बसे कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण अनावश्यक कारण के भाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं।